पुष्कर कस्बे में उत्पाती युवक का आतंक, यज्ञ घाट पर मूर्तियों को किया क्षतिग्रस्त। कस्बे वासियों ने उत्पाती युवक को पकड़ने की पुलिस से की मांग। दो दिन पहले डीपी पर चढ़कर मचाया था उपद्रव। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony Chauraha Police Line Ajmer or near Kanak Shri Garden Jawahar Nagar Ajmer. पुष्कर कस्बे में एक उत्पाती युवक ने पुष्कर सरोवर के किनारे स्थित यज्ञ घाट पर रखी माताजी और गणेश जी की दो मूर्तियों को पत्थर मारकर खंडित कर दिया। लोगों को पता पड़ा जब तक उत्पाती युवक बाजार की ओर भाग निकला। घटना को लेकर लोगों ने रोष जताया है। पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जय कुमार रेशु पाराशर ने बताया कि पुष्कर के कालो का मोहल्ला में रहने वाला उमाकांत पाराशर उर्फ पीनू यज्ञ घाट पर आया और उत्पात मचाते हुए वहां रखी मूर्तियों को पत्थर मारकर खंडित कर दिया। इसके बाद सिद्धेश्वर बालाजी मंदिर में घुसकर उत्पात मचा था। इससे पहले ही वहां मौजूद भक्तों ने उसे पकड़कर बाहर खदेड़ दिया। इसके बाद उत्पाती युवक बाजार की ओर भाग निकला। यज्ञ घाट पर मूर्तियां खंडित करने की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। इस दौरान पूर्व पार्षद महेश पाराशर, मधुसूदन पाराशर, महंत सोनू पाराशर, गजेंद्र पाराशर आदि ने घटना पर रोष प्रकट करते हुए उत्पाती युवक को पकड़ने की मांग की। बताया जा रहा है कि युवक 3-4 दिन से लगातार बाजार में भी उत्पात मचा रहा है। दो दिन पहले वे बिजली की डीपी पर भी चढ़ गया था। आज हमारे पुष्कर का एक युवक है उमाकांत उर्फ पीनू भाई पाराशर, वह अधिकतर नशे पते में रहता है, उत्पात करता रहता है। आज वह यज्ञ घाट पर आया और यहाँ गणेश जी और माता जी की प्रतिमाएं उसने पत्थर से तोड़ी। एम जो यहाँ सिद्धेश्वर बालाजी जो पुष्कर के सबसे ज़्यादा प्रख्यात है, जो सब लोग आते हैं, तो उनके मंदिर में जूते पहनकर और उसकी भी मूर्ति वो बालाजी की खंडित करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ जो लोग आए थे दर्शन करने उन लोगों ने उसको रोका और उसको धक्के दे के बाहर निकाला। तब तक हम लोग सारे इकट्ठे हो गए, तब तक वो भाग चुका था। अभी किन कौन कौन सी मूर्तियों को उसने खंडित किया? अभी उसने एक तो माता जी की मूर्ति है और दो गणेश जी की प्रतिमाएं हैं, उनको खंडित पूर्ण रूप से खंडित कर दिया है। और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन और पुलिस से ये चाहते हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नशेड़ी हो चाहे वो पागल हो, तो उस पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि वह दोबारा कहीं भी ऐसी कार्रवाई ना कर सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।